अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर असिस्टेंट टीचर फ्रॉम रेनबो ग्रामर स्कूल, क्लास 1, चैप्टर नंबर 12। आवर टॉपिक इज प्लेसेस वी विजिट्स। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है प्लेसेस वी विजिट, यानी वो जगहें जहाँ की हम सैर करते हैं, दौरा करने जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं ना जहाँ पर हम जाते हैं। स्पेसिफिक कोई एक तो जगह होती नहीं है जहाँ पर हम जाते हैं, मुख्तलिफ जगह तो जगहें होती हैं जहाँ पर हम जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या रीडिंग करेंगे, प्लेसेस वी विजिट। ठीक है, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ की हम सैर करते हैं, दौरा करते हैं। अच्छा, ये देखें, ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ लाहौर म्यूज़ियम। ठीक है, ये लाहौर के अजायब घर की तस्वीर है। ठीक है, ये भी एक प्लेस है। ठीक है, जहाँ का आप सब लोगों ने ऑब्वियसली जहाँ सब इस जगह पर गए होंगे, यहाँ का विज़िट किया होगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी आप लोगों ने। इसी तरीके से हम इस चैप्टर में बहुत सारी जो है डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी विजिट मैनी प्लेसेस इन आवर लाइफ। वी विजिट शॉप्स, मार्केट्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, वाटर पार्क, थीम पार्क, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम, जू एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, हमने बहुत सी अपनी ज़िंदगी में जगहों की जो सैर की है, वो विज़िट शॉप्स, हमने शॉप्स, मार्केट्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, वाटर पार्क, थीम पार्क हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, ज़ूज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह। ठीक है, ये सारी जगह हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमने जिनकी जो है विज़िट किया है। अब ये एक एक्टिविटी है, टिक द प्लेसेस यू हैव विज़िटेड। ये जगहों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ टिक करना है कि आप कहाँ कहाँ गए हैं। शॉप का विज़िट किया है, पार्क का, म्यूज़ियम का, मार्केट का, वाटर पार्क का, ज़ू का, प्लेग्राउंड का, रेस्टोरेंट का, थीम पार्क का, इन सब में से आपने जिस जिस जगह का विज़िट किया है आपने वहाँ पे टिक ज़रूर करना है। ठीक है, इट्स योर एक्टिविटी नंबर 1। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2, पेस्ट आर योर पिक्चर ड्यूरिंग योर विजिट टू एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड प्लेसेस इन योर स्क्रैप बुक्स। ठीक है, क्या है, आपने अपनी तस्वीर जो है वो पेस्ट करनी है ड्यूरिंग योर विजिट टू एनी अबव मैंशन प्लेसेस। इन सारी जगहों में से कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी तस्वीर बनी हो, आपने अपनी स्क्रैप बुक पे वो तस्वीर क्या करनी है, पेस्ट कर देनी है। ये 2 एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं प्रॉपर अपने चैप्टर को स्टार्ट। शॉप, शॉप क्या है, ऑल्सो प्लेस ऑफ विजिट। ठीक है, जहाँ हम विज़िट करते हैं और जाते हैं। शॉप क्या है ये हम पढ़ते हैं। शॉप इज़ अ प्लेस वेयर वी बाय थिंग्स। शॉप दुकान वो जगह है जहाँ हम चीज़ें खरीदते हैं। सम शॉप सेल सेम काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ दुकानों में एक किस्म की चीज़ें बिकती हैं, लाइक टॉयज, गारमेंट्स, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एट्सेट्रा, जैसे कि खिलौने, गारमेंट्स, गोश्त, फल, सब्जियां वगैरह। सम शॉप सेल मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों जो दुकानें हैं उनमें बहुत सी चीज़ें भी जो है ना बिकती हैं। बच्चों देखो, कुछ दुकानें होती हैं जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक एक ही चीज़ होती है, कुछ दुकानें होती हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। सच शॉप्स आर कॉल्ड जर्नल स्टोर्स। ऐसी चीज़ें जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस दुकानों को क्या कहते हैं, जर्नल स्टोर्स कहते हैं। ठीक है, समझ आइए, जो दुकानें जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं उन दुकानों को क्या कहते हैं, जर्नल स्टोर्स कहते हैं। आगे हमारी एक्टिविटी नंबर 3 है, आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल द शॉप दे लाइक टू विजिट। आपने मतलब, अब देखें बच्चों, आप लोग तो घर पर हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टैंड एंड टेल द शॉप दे लाइक टू विज़िट। कौन सी ऐसी दुकान है जिसका विज़िट करके आप लोगों को अच्छा लगा या विज़िट करना आप लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, वो आप लोगों ने मेंशन ज़रूर करना है। मार्केट, इन मार्केट देयर आर मैनी शॉप्स। मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं। सम मार्केट्स हैव डिफरेंट शॉप्स, कुछ मार्केटों में जो है मुख्तलिफ दुकानें होती हैं। सम मार्केट्स सेल सेम काइंड ऑफ थिंग्स, और कुछ मार्केटें हैं वो एक जैसी चीज़ें बेचती हैं। मार्केट्स लाइक क्लॉथ मार्केट, ऑटो मार्केट, पेपर मार्केट एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, मार्केट क्या होती है, जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें होती हैं, लेकिन कुछ मार्केट्स होती हैं जहाँ पे एक ही किस्म की दुकानें होती हैं, जैसे कपड़ों की मार्केट जो होती है ना, शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही बिकते हैं। ठीक है, और जो है ऑटो मार्केट जहाँ पे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह ऐसी दूसरी चीज़ें हैं ये सब कुछ क्या है उन बाज़ारों में मिलती हैं। पेपर मार्केट जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कागज़ और अखबार और पेपर्स ही मिलते हैं। ठीक है, पार्क, इन पार्क्स देयर आर स्विंग्स, सीसॉस, स्लाइड्स, पार्क्स ऑल्सो हैव बिग लॉन्स टू प्ले। पार्क में स्विंग्स झूले होते हैं, सीसा, स्लाइड्स, ये सारे झूले वगैरह हैं बेटा, ये होते हैं पार्क्स में। पार्क वो जगह है जहाँ पर आप जाकर इंजॉय करते हो, फन करते हो और खूब मज़ा करते हो वहाँ पर। ठीक है,
प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड इज अ बिग प्लेस विद ग्रास, इट इज यूज टू प्ले गेम्स। प्लेग्राउंड एक बड़ी जगह होती है जहाँ पर घास उगी होती है, और ये जगह जो है खेलें खेलने के लिए इस्तेमाल होती है, जहाँ पर खेल खेले जा सकते हैं, क्रिकेट खेला जा सकता है, फुटबॉल खेला जा सकता है, और बेशुमार दूसरे खेल हैं जो हम प्लेग्राउंड में जाकर खेल सकते हैं। ठीक है, वाटर पार्क, इन वाटर पार्क देयर आर स्विमिंग पूल्स एंड वाटर राइड्स, इट इज़ अ फन प्लेस इन समर। ठीक है, वाटर पार्क्स में हम क्या करते हैं, स्विमिंग पूल्स हैं एंड वाटर राइड्स हैं, यानी ये देख रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारा ये क्या है, हमारा वाटर पार्क्स है। इट इज़ अ फन प्लेस इन समर, ये फन प्लेस है समर के लिए। गर्मियों में अमूमन गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, और बहुत ज़्यादा जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो ये एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर जाकर लोग इंजॉय करते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी जो है गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम करते हैं यहाँ पर जाके। एक्टिविटी नंबर 5 है, आस्क द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल इफ़ दे हैव विजिटेड एनी वाटर पार्क। यही है कि आपने जो है, आप में से बच्चों किसी ने किसी वाटर पार्क का विजिट किया है तो वो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। ठीक है, थीम पार्क, थीम पार्क क्या होता है, इन थीम पार्क देयर आर मैनी राइड्स, द मोस्ट कॉमन थीम पार्क राइड्स आर बम्बर कार्स, रोलर कोस्टर, फेरिस व्हील एट्सेट्रा। थीम पार्क क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे राइड्स होते हैं। ठीक है ना, आप गए हो ना पार्क्स में, थीम पार्क्स, वहाँ पे बहुत सारे राइड्स होते हैं, उनमें जो कॉमन राइड्स हैं वो बम्पर कार्स हैं, रोलर कोस्टर्स हैं, फेरिस व्हील्स वगैरह वगैरह, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं झूले मौजूद होते हैं वहाँ पर। रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू ईट, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स सेल डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। रेस्टोरेंट वो जगह होती है जहाँ पर हम खाना खाने के लिए जाते हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो है मुख्तलिफ किस्म के जो हैं खाने जो है वो बेचते हैं। सपोज KFC है, मैकडोनल्ड है, और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट कौन सी जगह होती है जहाँ पर हम जाते हैं और खाना जो है वो खाते हैं जाकर। एक्टिविटी नंबर 6 आ जाती है, आज द स्टूडेंट्स स्टैंड एंड टेल विच रेस्टोरेंट दे लाइक टू विजिट। स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सा रेस्टोरेंट जो है आपने विजिट किया और आपको सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, म्यूजियम, इन म्यूजियम देयर आर थिंग्स फ्रॉम द पास्ट। हमारा फर्दर विजिट वी प्लेस में म्यूजियम है। म्यूजियम वो जगह है जहाँ पर हम क्या करते हैं, माजी की चीज़ों को जो है देखते हैं, वहाँ पर हम इंटरेस्टिंग बहुत सारी जो है पास्ट की चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। आज द स्टूडेंट टू स्टैंड एंड टेल इफ़ दे हैव सीन अ म्यूजियम। आप लोगों ने बच्चों से पूछना है, और बच्चों आप लोगों ने किसी म्यूजियम का विजिट किया है तो आपने ज़रूर हमें बताना है। ठीक है, जू, नेक्स्ट प्लेस इज जू। इन जू देयर आर मैनी एनिमल्स, यू कैन सी लायंस, मंकी, स्नेक्स, डियर्स एंड एलिफेंट एट्सेट्रा इन अ जू। चिड़ियाघर वो जगह है जहाँ पर आप बहुत सारे शेर, बंदर, सांप, हिरन, हाथी और बेशुमार दूसरे जानवर जो हैं वो किस में देख सकते हैं, जू में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग जू गए हो ना, वहाँ पे इंजॉय करते हो, जू में कितने सारे डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय करके आप वहाँ से आते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स जो आपने आम रूटीन में नहीं देखे होते वो आप कहाँ जाकर देखते हो, जू में देखते हो। ठीक है, इफ़ दे हैव विजिटेड इट आ जू, ये एक्टिविटी नंबर 8 है, अगर आपने किसी जू का विजिट किया है तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर हमें बताना है। और आपने करना है टू स्टैंड एंड टेल विच इज़ देयर फेवरेट एनिमल्स, जब आप जू जाते हैं तो आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, ये भी आप बच्चों आप लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। ठीक है, माय फेवरेट एनिमल इज़ आ, यहाँ पर आपने अपने फेवरेट एनिमल का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस चैप्टर में कितने सारे डिफरेंट प्लेसेस थे जहाँ पर विजिट किया है डिफरेंट, आप लोगों ने इनको देखना है और इसको अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है। होप्स हो कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मज़ा आया होगा। देखिए हमने जू के बारे में देखा, म्यूजियम, रेस्टोरेंट्स, वाटर पार्क, प्लेग्राउंड, पार्क, मार्केट्स, ठीक है, और शॉप, अब हर जगह के बारे में हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, अच्छे तरीके से इस चैप्टर को दोबारा रीड आउट करना है। रीडिंग करने के बाद बच्चों आप लोगों ने वर्कशीट में जो काम है वो सोल्यूशन के साथ आपको दिया गया, आपने वर्कशीट का काम अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है, और लर्न करने वाला काम आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से याद करिएगा।